सर, अब आपकी लाइफ जो है काफी अप्स एंड डाउन्स वाली रही है पिछला पिछले और रंगीन भी रही है यार। बिल्कुल यार, बैटमैन वेक के मैंने इस तरह लगे। Of course, I'm young to be a father, but I'm just playing a character. You forget that? Okay, आपसे एक और सवाल है बाबा। While in your absence, many films was released. So once you're back, कोई particularly एक दो कोई ऐसी फिल्म है जिसको देख के आपने बोला काश ये इस फिल्म में मैं होता? मैं समझा नहीं यार, की कह रहे हैं? मैं पूछे कि जब तुसी वापस आए हो तो सा एनजू के पिक्चर देख के थोनू लगे कि इस पिक्चर काश मैं हुआ, इतनी वड्डी वड्डी पिक्चर लगी हैं तो थोनू के देख के लगे कि मैं हुआ पिक्चर? बिल्कुल यार, बैटमैन वेक के मैंने इस तरह लगे। संजू, डोंट यू थिंक यू आर टू यंग टू बी अदिति's फादर? Wow. Of course I'm young to be a father, but I'm just playing a character. You forget that? Sir, अब आपकी लाइफ जो है काफी अप्स एंड डाउन्स वाली रही है पिछला पिछले और रंगीन भी रही है यार। होपफुली वो दत्त में देखने को मिलेगी। सर, मैं जानना चाहूंगा कि जब आप जेल से बाहर आए तो कितने बेताब थे कि आप स्क्रीन पर लौटें और सेट के शूटिंग पर लौटें, क्योंकि आपकी लाइफ हमेशा से आपने इतने सालों तक 35 साल तक फिल्मों में काम किया है, तो कितना वेट कर रहे थे कि मैं पहली फिल्म में और पहले सेट पे पहुंचूं? और पहले दिन जब आप सेट पे पहुंचे तो क्या फीलिंग्स थी उस दौरान? वेल, मैं बेताब तो नहीं था वापस सेट पे पहुंचने के लिए, क्योंकि दाल चावल मेरी बीवी ही दे देती थी खाने के लिए यार। और लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा था कि जो पिक्चर जो पहली आएगी, एक मैसेज हो, एक ढंग की पिक्चर हो, एक परफॉर्मेंस बेस्ड पिक्चर हो, एक पिक्चर जो मेरे बड़े भाई विनोद जी देखकर प्राउड हों, गाली नहीं दें, जो मेरी वाइफ देख के बोले कि बहुत अच्छी पिक्चर है, नहीं तो वो भी गाली दे देती है, और बाकी के जितने प्रिया भी गाली देती है, ये ओवन तो नहीं दे सकता बेचारा, लेकिन एक दो ड्रिंक के बाद में बोल सकता है। लेकिन ये सब डेंजरस लोग बैठे हैं यहाँ पे भी, ये लोग भी, वो परेश जी भी हैं, बंटी वालिया, अपना बंसल साहब और बिट्टू, तो आई थिंक इसी वजह से मैंने बहुत सोच समझ के ये पिक्चर की। वेल, मुझे सुन के अच्छा लगा कि आपको ट्रेलर अच्छा लगा है, और पिक्चर भी वैसे ही है, बहुत अच्छी पिक्चर है। इसकी स्टोरी, इसकी कहानी एक बहुत ही इमोशनल कहानी है, तो मैंने यही सोचा कि मैंने बोला कि यही पिक्चर 3 साल के बाद अगर आए तो एक ऐसी पिक्चर आए जहाँ इमोशन हो, बाप बेटी का रिश्ता हो, एक मिडिल लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात हो, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने भूमि की।